आप सभी को राधे राधे। इस वीडियो में आपको बहुत ही सुंदर लटकन के बारे में बता रही हूँ, जो कि काफ़ी सुंदर बनेंगे और काफ़ी इजी है। तो देखिए, मैंने ये सुंदर सा लटकन बनाया है, ये डबल कलर में बनाया है। तो देखिए, इसको बनाने के लिए मैंने ये 3 पीस कट कर लिए हैं। आपको साइज़ बता देती हूँ। देखिए, सबसे छोटा पीस है 1.25 इंच का, चौड़ाई लंबाई बराबर है, चौकोर पीस है। और देखिए, जो सेकंड पीस है ये 5 इंच चौड़ा 5 इंच लंबा है। और देखिए, जो सबसे बड़ा पीस है वो 6.5 इंच है, चौड़ाई लंबाई चौकोर पीस है। तो इन 3 पीसों के हम सुंदर से लटकन बनाने वाले हैं, जो कि काफ़ी इजी रहेगा और काफ़ी अच्छे भी लगते हैं। तो देखिए, जो ये बड़ा वाला कपड़ा है, इस कपड़े को हम यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे क्रॉस में। ये फोल्ड करने के बाद एक फोल्ड फिर से हम यहाँ पे कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा और यहाँ पर बड़ा बड़ा सिलाई डाल के हम इसको तैयार करेंगे। जो दूसरा पीस है, जो गोल्डन कलर लिया है मैंने, इसको भी देखिए इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और फिर से एक फोल्ड कर देंगे और इस पीस को भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। जो ये तीसरा पीस है, इसको एक ही फोल्ड करेंगे खाली और फिर इससे कैप तैयार कर। अभी इन पीसों को हम इस तरीके से फोल्ड करके पहले एक बड़ा सिलाई लगा लेते हैं। तो ये बड़ा सिलाई मैंने लगा लिया है। अब देखिए, जो ये वाला पीस है, इसको हम बड़ी बड़ी सिलाई डालेंगे। धागा कोई भी कलर का ले सकते हैं, क्योंकि ये अंदर चला जाएगा। देखिए, इस तरीके से सीधा सिलाई लेने के बाद इसको हम खींच देंगे, तो ये इस तरीके की हमारे यहाँ पर डिज़ाइन तैयार हो जाएगी। अब इसी धागे से हम इसको बांध देंगे यहाँ पर, और धागे को यहीं पे हम तोड़ देते हैं लॉक करके। सेम इस पीस को ले, इसको भी इसी तरीके से बांध देंगे इसको खींचने के। ये दोनों पीस इस तरीके से तैयार हो जाए। अब इन पीसों को हम इसके अंदर रख देंगे। इस पीस को रखने के बाद, अभी हमने एक रेडीमेड डोरी ली है, इस डोरी को भी इसके बीचों बीच रख दें, जैसे ये अच्छे से मजबूत हो जाएगी और इस डिज़ाइन के यहाँ पर। और धागे से इसको बांध देते हैं और फिर एक बार मशीन से भी इसमें सिलाई लगा देंगे डोरी पर, तो इससे क्या है, डोरी मजबूत हो जाएगी। देखिए, इस तरीके की डिज़ाइन हो जाने के बाद यहाँ पर हम मशीन चला देंगे और ये धागे को कट कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हो जाने के बाद अभी हम कपड़ा जो हमने लिया है कैप के लिए, देखिए इस तरीके से ये पीस है, इसको यहाँ पर हम फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करने के बाद यहाँ से हम इस तरीके से रख लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देते हैं। इसको खोल देंगे, देखिए ये लटकन बनकर हमारा तैयार हो गया। देखिए, इसी तरीके से मैंने दूसरा लटकन भी तैयार कर लिया। देख रहे हैं कितना सुंदर है, ये दोनों लटकन हमारे बनकर तैयार हो गए। ये डबल कलर में रहेंगे तो काफ़ी अच्छा लुक आएगा, इसे बनाना काफ़ी आसान था। तो आप इस आसान तरीके से ये सुंदर से लटकन बना सकते हैं कुर्ती या ब्लाउज के लिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।